नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मशहूर अभिनेत्री दिव्या भारती के बारे में। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने बहुत कम वक्त में नाम कमाया, बहुत कम वक्त में इस दुनिया को अलविदा कह दिया, गुपचुप तरीके से शादी की और उसके बाद उसकी मौत आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ये साजिश है या फिर आत्महत्या या फिर अचानक से हुई मौत, हर कोई इस बात से हैरान है। दिव्या भारती ने बहुत कम उम्र में ही बॉलीवुड में कदम रख दिया था। आपको बता दें कि जब वो महज 16 साल की थी तब उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में दी। दिव्या भारती उस वक्त हर डायरेक्टर और हर हीरो की डिमांड थी, हर कोई चाहता था कि उनके साथ एक बार काम करने का मौका मिल जाए, क्योंकि दिव्या भारती उस वक्त एक ऐसा सितारा थी जो जिसके साथ काम करे उसे सुपरहिट बना दे, और यही वजह है कि दिव्या भारती के साथ हर कोई काम करना चाहता था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक दिन ऐसा होगा। दरअसल गुपचुप तरीके से उन्होंने प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला से शादी कर ली थी और इस शादी को उन्होंने गुप्त रखा था। उनके पति कहते हैं कि दिव्या भारती ने शादी कर अपना धर्म बदल लिया था और अपना नाम सना रखा था। शादी के बाद वो ये बात किसी सबको बताना चाहती थी कि उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन साजिद चाहते थे कि ये बात मीडिया में नहीं आए, क्योंकि अगर ये बात मीडिया में आ गई या लोगों को पता चल गई तो फिर उन्हें फिल्में मिलने कम हो जाएगी या कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर उन्हें वो इम्पोर्टेंस नहीं देगा जो उन्हें आज मिल रही है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि शादी को गुपचुप रखा जाए। लेकिन शादी से दिव्या भारती और साजिद के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और अक्सर शराब पीती थी, उन्हें शराब पीने की बहुत ज़्यादा लत लग गई थी। और एक दिन उनकी बर्थडे पार्टी में ऐसा ही हुआ जब वो शराब के नशे में थी और वो ऊपर से नीचे गिर गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। कई लोगों का मानना है कि यह आत्महत्या है, कई लोग इसे साजिश बताते हैं, जबकि उनके पति का कहना है कि उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी और इस वजह से उनकी मौत हो गई, अचानक बैलेंस नहीं कर पाई और वो नीचे गिर गई। पुलिस ने 5 साल तक तो इस केस को ओपन रखा और इस केस की स्टडी करती रही, लेकिन 5 साल बाद इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और उस फाइल के साथ कई सारे राज भी बंद हो गए। आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो आत्महत्या थी, साजिश या फिर हत्या। इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें।